This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content.

प्रोसेस है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा चालीस पे कंसोलिडेट होने में इस दौरान थर्टी नाइन तक इसका मार्केट का आना काफ़ी हेल्दी होगा ताकि जो छोटे मोटे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से आउट हों और उसके बाद एक स्ट्रॉग फाउंडेशन बने टूवर्ड्स फोर्टी थाउजेंड तो ये अब हम आजकल रोज़ाना ऊपर नीचे देख रहे हैं इसकी मेन वजूहत तो ऑफकोर्स जो रही हैं पिछले दिनों वो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन रहा जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए ख़ासतौर से गोरे गोरों ने दबा के बेचा सोलह सत्रह मिलियन दो तीन दिन में बेच दिया था टेंशन की वजह से लेकिन परसों आप लोगों ने भी पैनिक किया और आप लोगों ने भी बड़ी पैमाने पे बेचा आठ मिलियन वाला शेयर उसकी वजह से ये मार्केट ने इतना रोलर कोस्टर लिया कल जो है पॉजिटिविटी आई और आज फिर से नेगेटिविटी आ गई और ये सिलसिला अभी कुछ दिन तक चलता रहेगा जब तक ये होता है इंटरनेशनली ये हुआ है कि फेडरल रिज़र्व जो अमेरिका का है उसने ऐलान किया कि फ़िलहाल वो इन, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहे और अब ऐसा लगता है कि नवंबर के इलेक्शन तक उनका जो रेट है यही कायम रहेगा जिसकी वजह से बॉम्बे वगैरह में कल काफ़ी पॉजिटिविटी देखी गई थी और वहाँ लेकिन हमारे यहाँ हमारे अपने जो इशूज़ हैं लोकल वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं कल भी आप अगर ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे आ, देख रहे होंगे और टीवी के टॉक शो सुन रहे होंगे तो काफ़ी टेंशन का माहौल था और बड़े आराम से खुल के बड़े आराम सोफे में बैठ के और एयर कंडीशन में बैठ के लोग जो है एटमिक जंग की बातें कर रहे हैं दोनों साइड से आ, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट लिखा कि जो जो लोग एटमिक पावर के बीच में जंग की बात कर रहे हैं वो सर्टिफाइड पागल हैं और उनकी आप ट्वीट्स वगैरह पे कोई ज़ोर ना दें कोई भी अकलमंद कोई भी समझदार इंसान मरने की बात कर ही नहीं सकता इस तरह की अगर जंग होगी एटमिक तो ये म्यूचुअली एश्योर डिस्ट्रक्शन है विदिन सेकेंड्स विदिन मिनट्स हम लोग जो है मर जाएंगे आ, इसी तरह एक हमारी जो फॉलोअर हैं राहिला पुलानी साहबा ने लिखा कि अगर ये जंग हो जाएगी तो हमारा क्या होगा हमारे मार्केट का क्या होगा मैंने कहा राहिला आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये एटमिक जंग होएगी तो बड़े आसानी से इन थ्री सेकंड्स आप जो है मिनट्स आप मर जाएंगी हम भी मर जाएंगे क़ैमत आ जाएगी फिर किसको परवाह मार्केट की इधर या उधर तो आप प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करती रहें और ये जंग इन नहीं होगी इतने भी पागल हम लोग नहीं हैं रशिया के पास आ, और अमेरिका के पास चालीस चालीस हज़ार एटम बम थे लेकिन कोई जंग नहीं हुई टेंशन चलता रहा आखिर में उन्होंने तय किया कि भाई इतनी का क्या करना बहुत थोड़े से ही काफ़ी है दुनिया को दस दफ़ा तबाह करने के लिए तो उन्होंने एक ट्रीटी की और उसके तहत आस्ते आस्ते अपने जो आर्म्स थे एटम आर्म्स थे चार चार हज़ार पे कर लिए और बाकी मिसाइल विजाइल भी बहुत सारे तोड़ फोड़ के फेंक दिए तो अगर वो लोग इतने सेंसिबल हो सकते हैं तो हम आ, इंडिया पाकिस्तान वाले को इतने पागल नहीं हैं कि इस तरह की कोई जंग होगी इन जंग वंग नहीं होगी और ना ही कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके इसके वजह से जो इमरान खान वाला के मामला चल रहे हैं आ, ए, 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 मैंने ट्वीट लिखा लोगों को पसंद नहीं आया मैंने कहा एक, एक आ, हाईली आ, बहुत बड़े मेजोरिटी से जीती हुई गवर्नमेंट को आप स्ट्रीट पावर के ज़रिए नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास भी स्ट्रीट पावर है अगर वो अपनी स्ट्रीट पावर ले आएंगे तो फिर क्या होगा आइए एक लाइव कॉल से बात करें असल मोहतरम ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंक की आई है ई पी एस दो कुछ तो ये कितने पर जा सकता है फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंटमेंट अभी कितने का है ये अभी ये अभी दो ढाई रुपए का है दो, दो रुपए कुछ पैसे इसकी अच्छा ढाई रुपए का रुपए ईपीएस ईपीएस भी है जी तो अगर EPS के बुनियाद पे तो इसको बाईस रुपए का होना चाहिए ये हो नहीं सकता जनाब के जो जिसका के शेयर की वैल्यू टू पॉइंट टू फाइव हो उतना ही ई पी एस भी आ जाए ये अगर प्रॉफिट आया भी है तो ये जाली है इसको उन्हें मैं मैं नहीं मानता और मैं इस तरह के बैंकों वाले में बिल्कुल एक पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ ना करने के लिए किसी को कहता हूँ ये जो लिस्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक का जिक्र है उसको मैं ऐसे करके काट देता हूँ मेरे जितने लिस्ट में देख लीजिएगा कटा हुआ है ये सब जाली बैंक्स होते हैं ये फर्स्ट दाऊद हो या क्रिसेंट हो या इस तरह के जो बैंक्स होते हैं इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आम पब्लिक से किसी तरह पैसा जमा करें और अपने दोस्तों यारों और अपने ग्रुप के कंपनीज में पैसा लगा दो उसके बाद कह देते सॉरी जी आपका पैसा डूब गया दो रुपये का ये शेयर हुआ क्यों इसलिए हुआ कि ये इसकी जो दस रुपये का शेयर था दो रुपये का हो गया तो आठ रुपये खा गए लोग तो आप इससे दूर रहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपके पास ये है तो आपको बहुत बहुत मुबारक आइए क्लाइब कौन से बात करें साहब तारिका जनाब जी तारीख साहब फैजान बात कर रहा हूँ थैंक यू सर मुझे ये पता करना है ये जो है ये डेली अपर लॉक पर होता है इसकी क्या वजह है? दूसरा डाउन क्यों जा रहा है अच्छा क्या डाउन हुआ आज तक पर है कितना है ना वो हेलो ये? जी जी ये आज हो गया एक हजार और साठ रुपए का अच्छा मेरी बेवरीज के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसको एस सी सी पी ने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन 16 तारीख से ये आ, ये 16 से लेकर उनतीस तक इसका क्लोज पीरियड है आ, इस पर यह डायरेक्टर्स वगैरह कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इसने कोशिश ये की है इसके पास इतना माल पड़ा हुआ है कि इसने कहा कि मैं एक शेयर के बदले में पाँच पंद्रह शेयर देना चाहता हूँ और एक सौ फ़ीसद जो है डिविडेंड देना चाहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा डिविडेंड और इतना बड़ा आ, ये बोनस आया है जिसको सी सी पी फॉर सम रीज़न पसंद नहीं करती वो वजह वजह हो सकती है गिरने की अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में आपको फिक्र बिल्कुल नहीं चेक करना चाहिए गदून जो है एक टेक्सटाइल कंपनी है टेक्सटाइल की जो स्पिनिंग का जो ग्रुप है पूरा अगर आप में मेरे आके आप देखेंगे मेरी एनालिसिस तो मैं इसको ऐसे करके काट देता हूँ छूता ही नहीं उसको लेकिन गदून टेक्सटाइल इज़ एन एक्सेप्शन एबंग दिस एक सौ पचास रुपये का शेयर है कल पाँच रुपये बढ़ा फिफ्टी टू थाउजेंड शेयर्स का काम हुआ ये जो पूरे टेक्सटाइल का जो सेक्टर है स्पिनिंग का उस उसमें आप देखेंगे अक्सर कंपनी में कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है और ये इतना बड़ा शेयर उसमें फिफ्टी टू थाउजेंड का कल काम हुआ और ये पाँच रुपये बढ़ गया और ये अपर लॉक हो गया देखिए पचास हज़ार शेयर क्या होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं यहाँ हम बात करें मिलियंस एंड मिलियंस की तो पचास हज़ार शेयर ख़रीद के किसी डायरेक्टर ने इसको बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया आपकी मर्जी है उसकी आप आप लोगों को मशवरा है किस तरह की जो कंपनी है जिसमें टर्न ओवर नहीं होता और तकरीबन तमाम के तमाम टेक्सटाइल कंपनी से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादातर जमींदार जागीरदार लोगों की होती हैं और ये किसी किस्म का डिविडेंड या बेनिफिट अपने शेयर होल्डर को देने पे बिलीव नहीं करती वो समझती हैं कि वो बादशाह हैं वो आपका पैसा लेके बैठ गए उनका हक़ है अब आपको कुछ ना दे बदले में उसी के नीचे एक लिस्ट आती है टेक्सटाइल कंपोजिट की उसको फेवर करता हूँ क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं लाइक निशात लाइक गुल अहमद अलक्रमारा जो कंपोजिट यूनिट है वो धागे से लेके दुकान तक रखती हैं अपनी इसलिए वहाँ पे वो एक अलग डिफरेंट किस्म के माम मामला हैं वहाँ के मॉडर्न किस्म के लोग हैं ये डिविडेंड वाला भी देते हैं सब कुछ देते हैं तो आपको जनरली एडवाइस है कि गोदून जैसी कंपनी से दूर रहें आइए एक लाइव कॉल से बात करें अमैसम जनाब हाजी साहब वेलकम शो साहब क्या हाँ ठीक हो साहब सर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फ्यूचर में आपका क्या ख्याल है क्या ख्याल होगा जो वही ख्याल है जो 88 में था वही ख्याल है जो 2009 में था 88 में 800 की मार्केट थी हाजी साहब और मैं कहता था कि इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा है तो लोग कहते थे पहले 600 का था 800 का हो गया ये तो बहुत ज़्यादा हो गया फिर 92 में जब नवाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर तो ये मार्केट ढाई सौ तक गई लोगों ने कहा अरे इतनी ज़्यादा हो गई उसके बाद आ, फिर ये आपने देखा कि सोलह हज़ार पर भी गई दो हज़ार आठ वाले में उसके बाद लोगों ने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गया मैं जब दो हज़ार नौ में आया तो पाँच हज़ार पर गिरी हुई थी तो आप जैसे लोगों ने मुझसे पूछा इसका क्या फ्यूचर है मैंने कहा पचास हज़ार फीचर है चालीस पाँच तो नहीं है लोगों ने कहा आप अजीब बात कर रहे हैं कहाँ से आए हैं आप किधर से आए हैं आपको कुछ पता ही नहीं है तो माशाल्लाह आप चालीस हज़ार का लेवल देख चुके हैं और पचास हज़ार की नारा मैं लगाता रहा हूँ अभी भी लगा रहा हूँ पचास हज़ार होगी ये अभी इंडिया पाकिस्तान का टेंशन कल तक बहुत था आज लगता है कम हो गया और आस्ते आस्ते वो भी टैपर ऑफ हो जाएगा और भी जो नेगेटिव फैक्टर्स आती हैं चली जाती हैं तो आ, 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 आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स जो के बैठे हुए थे उनको बैंकों ने मेहरबानियाँ की हैं क्योंकि वो भी अब इकॉनमी को पॉजिटिवली देख रहे हैं नेगेटिव कम देख रहे हैं तो आपने देखा दीवान ग्रुप को भी उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया फर्स्ट कैपिटल ग्रुप से भी सेटलमेंट्स वगैरह हो गई और उनके तमाम के तमाम शेयर चल पड़े तो आ, ये पॉजिटिविटी जो है उसके पीछे आ, एक लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा और हमारे जैसे और काफ़ी लोगों का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है अंडर परफॉर्मड है अभी भी हमारा पी बहुत कम है अभी भी हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल से अभी भी कम है लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई कराची की लाहौर की तो जाके आप दिल्ली का रेट पूछ लें आप इस तेहरान का रेट पूछ लें आप काबुल का रेट पूछ लें बॉम्बे का रेट पूछ लें तो आपको पता चलेगा उनसे अभी भी हम बहुत नीचे आइए से बात करें आ, ये सरले के बारे में बताइएगा इसका फ्यूचर क्या है और इसका जो एनिमल रिजल्ट है इसके क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप देखिए सर्ले एक बहुत ही पुरानी स्टेब्लिश कंपनी है और आजकल इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल था वो भी ग्रेजुअली रिलैक्स हो रहा है गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सी से और इस वजह से ये तमाम कंपनीज़ में बहुत बेहतरी आ रही है पूरा सेक्टर जो है इस वक्त अगर आप फार्मास्यूटिकल का उठा के देखें तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल और इतनी बड़ी आबादी है आप पॉपुलेशन है इनकम बढ़ रही है डिमांड हर चीज़ की बढ़ रही है तो सरले के तमाम प्रोडक्ट के भी बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आता है और इस पर अगर आपके पास शेयर है इसको आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा बेचने का तजारत करने का कोई कोई ज़रूरत नहीं है आइए को से बात करें हेलो सामेक वाई सला सलाम की शेयर है एस एम सी पी एल एस एल एस एम सी पी एल एस एम सी पी एल बताते जाइए कौन क्या है ये आए ये रखना चाहिए कि नहीं नहीं आप पहले बताए है क्या ये मुझे नहीं पता ये सर कंक्रीट का शेयर है कंक्रीट 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 कौन सा कंक्रीट पूरा नाम बताया ना आपके पास है आपको पता होना चाहिए है, गेंक्रेट। गेंक्रेट। मैंने पहली दफा नाम सुना जनाब आप इसके एक्सपर्ट हैं आप बताइए है, हमारे और शेयर सुनने वालों को यह है क्या आपने क्यों लिया और कितने का लिया और क्या देता है ये मुझे नहीं पता हेलो ये अजीब अजीब कंपनियों के लोग शेयर उठा लेते हैं पैसा जैसे कहीं से फालतू आ गया कहीं से गिर गया उनके ऊपर आके उसको कहीं ना कहीं फेंकना जरूरी है भाई जिसका नाम तक नहीं आप जानते उसमें आपने क्यों लगाया ये ना ये बता रहे कि कितने पे लिया हो क्या क्या रिटर्न देता है मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ऐसी कंपनी को हम ट्रैक नहीं करते हम सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनी को ट्रैक करते हैं इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास और नाम भी नहीं पता और लगा के बैठ गए अरे ये आपके बच्चों का पैसा है भाई आपके बुढ़ापे का सहारा है इसको कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ कोई काम वाम हो रहा हो पक्का जिसमें कुछ लोहा लकड़ हो जमीन हो फालतू जगह पे ना लगाए आइए से बात करें अंकल जी मुझे बाइको पेट्रोलियम और, और पावर सीमेंट के बारे में पूछना है और दूसरा ये पूछना कि इधर मैं एंट्री डालू प्रेस बाइक के लिए बाइकों में और पावर सीमेंट में बाइको और पावर बाइको से मैं मेरा मशवरा दूर है क्योंकि मेरी जो रिसर्च है मेरी जो मालूम है बेस्ड ऑन मैंने इनके प्रेसिडेंट से बहुत सारा इंटरव्यू किया इस चैनल पर ये एक्चुअली ये 37,000 बैरल की एक्चुअल प्लांट है अब ये दावा ये करते हैं कि आठ ये टोटल कंपनीज इसकी बारह बिलियन की है चौदह बिलिय का इनके ऊपर कर्जा है लॉन्ग टर्म ऑलरेडी लिवरेज कंपनी हेवली लिवरेज है और ये कहती है कि जी हमने आठ बिलियन का टर्मिनल भी खरीद लिया है और 33 बिलियन की एक बड़ी रिफाइनरी भी खरीद ली है विच डजन मेक सेंस डजन एड आप तो आई आई डोंट बिलीव इन बाई आप दस बारह रुपये पर ये सही है पावर सीमेंट इज़ ओके छोटी कंपनी है पावर uh, है फ्लाइंग है अगर आपके पास पैसे कम है तो आप ये ले कर छोड़ें दूसरी बात एक बताता चलूँ बार बार लोगों को कहता हूँ लोग सुनते नहीं हैं लोगों को ये काम प्रेशन है कि हर शेयर 500 तो लेना पड़ता है गलत है आप 10, 20, 25, 50, 100 शेयर भी ले सकते हैं बड़े बड़े शेयर जो महंगे होते हैं तो एक शेयर जो मरी बेवरी है वो एक साथ बहस किया जा रहा है कि ये इतना महंगा ग्यारह सौ तीस रुपये का शेयर मैं कैसे ले लूँ मैंने कहा आप जाके दस ले लें बीस ले लें पचास ले लें ले ले। वो यकीन ही नहीं करते थे फिर उन्होंने लिया और कल उन्होंने बताया कि अब तक मैं तीन ले चुका हूँ तो मैंने कहा उसको आप पंद्रह से मल्टीप्लाई कर दें उतना तो आपके पास शेयर आ जाएगा उसके बाद उसकी वैल्यू जो है ग्यारह बारह सौ से घटते घट घट के हो जाएगी सेवेंटी फ़ोर रुपीज़ और आपको सौ फीसद जो है बोनस भी आपको मिल जाएगा तो वो काफ़ी खुश हैं उनका ख्याल ये था कि 500 से कम तो ले ही नहीं सकते गलत बात है ये और मार्केट कहते हैं इसको आप 20 लेंगे मैं 20 लूँगा दूसरा सौ लेगा सबको मिला के पाँच का लॉट करके वो हो जाता है थोड़ा सा महंगा होता है अच्छे शेयर लें दस बीस लें ज़्यादा नहीं लें आई कॉल से बात करें हेलो हेलो सामेकम जी जनाब कैसे ठीक है जी अला शुगर अच्छा स्त्रह जी ये अपने दो तीन दिन से मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी, जी एक रहा हूँ ये आवाज आपकी, आपकी आवाज गूंज रही है टीवी से टीवी को प्लीज बंद कर दें। फिर बात हो भी आ से दे रहा है ये दीवान सलमान का शेयर है जी डी एफ डी एफ क्या है डी एस एफ एल डी एस एफ एल एफ एल हाँ ये दीवान सलमान फाइबर लिमिटेड हेलो हसन साहब ने ठीक से सुना है दीवान सलमान फाइबर लिमिटेड जनाब ये कंपनी वो है जो दस बारह साल से बंद पड़ी हुई है इसकी फिजिबिलिटी वैसे भी नहीं है क्योंकि आप इस तरह के फ़ाइबर वगैरह गल्फ़ की जो आ, 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 ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके मुकाबले में आप कम्पीट नहीं कर सकते इस तरह के जितने प्रोजेक्ट चले चाहे लोटे हो चाहे ये हो ये सब के सब फ़ेल हुए दीवान सलमान इसको बेचने की कोशिश कर रहा है एक दो लोगों से बात हुई उसके बाद से मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि इस इसमें दम नहीं है आप इससे दूर रहिएगा ओवरऑल मैंने पिछले दिनों जो सोच समझ के जो रोलर कोस्टर चल रहा है उसमें तीन चार जनरल एडवाइस दिया उसमें मैंने कहा सोचा बैठ के मैंने ये बात कि अगर मुझे चॉइस है मेरे पास दो बीस हज़ार रुपये हैं तो मैं क्यों जाके दरवाज सलमान ग्रुप में लगाऊं जहां बहुत ज़्यादा ख़तरा है ऊपर नीचे होने का क्योंकि ये बत्तीस बैंकों के कंसोशियम है जो इनको फाइनेंस करती है बैंकों को पिछले आ, पिछले आठ दस साल में बहुत नुकसान हुआ है इनकी वजह से कई छोटे छोटे बैंक बैठ गए इनकी वजह से तो ठीक है अब सब मिल उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ख़तरात अभी भी बहुत हैं तो इससे दूर रहने में क्या हर्ज है आप इससे दूर रहें आपका और बहुत अच्छी जिस बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें बहुत अच्छे इजाफे हो रहे हैं क्यों इसके पीछे जाए फिर जब एक और जनरल मैंने कॉल दी कि केमिकल का टाइप की जो कंपनीज है जैसे दीवान सलमान फाइबर है लोटे है इनसे दूर रहें क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती मैं बेस्ड ऑन मैं क्योंकि काफ़ी साल तक गल्फ़ में काम करता रहा हूँ मैं जानता हूँ कि वहाँ कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं और कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं वो उनसे हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते छोटे छोटे फैक्ट्री लगा के इसके जनरली मैंने कहा कि आप उससे दूर रहें दूसरा तीसरी जो कॉल मैंने दी है ओपन वो ये है कि तमाम छोटे छोटे बैंकों से दूर रहें जिनमें कोई कुछ रखा हुआ नहीं है ये दलवान सलमान ग्रुप खा गया है उनको 95 बिलियन का लॉस दिया आ, खादिम अली शाह ख़त्म हो गया एक पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर्स को डिपॉजिटर्स को भी माइनस में चली गई थी सेंट्रल बैंक ने पाँच बिलियन का गारंटी दे के उसको संभाला और जो इसके कस्टमर्स थे वो छः आठ महीने तक परेशान रहे तो उससे ऐसे ऐसी छोटे छोटे बैंकों में कुछ रखा हुआ नहीं है उससे दूर रहिएगा और छोटे छोटे बैंकों के बारे में बार बार चीख चीख के ऐलान करता हूँ कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर से कहता हूँ कि आप इन सब को मर्ज करके एक स्ट्रॉग बैंक बनाए सेंट्रल बैंक का काम यह है कि तमाम बैंकों को सॉलिड मजबूत बनाए मर्ज करे बड़े से बड़ा बैंक बनाए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंड्यूस करें वहाँ पे ये छोटे छोटे बैंक बहुत बड़ा ख़तरा है तमाम लोगों के लिए लोगों को क्या पता कि ये जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं इनके पीछे माली हालात उनकी क्या है जो शेयर डेढ़ रुपये का दो रुपये का हो गया आप समझिए वो आई में है आई में लोग डिपॉज़िट कर रहे हैं कल वो बंद हो जाएगा मर जाएगा तो सब पैसा उनका डूब जाएगा कम से कम बहुत बड़ी डिज्रप्शन आ जाएगी तो आप उनसे दूर रहें चाहे एन हो एन को अगर एम, एम या कोई और बैंक भी लेता है तो कितने मिलेगा मेरा अपना ख्याल है कि ज़ीरो मिलेगा उसकी मर्जी है नहीं तो आप क्या करोगे आपके पास चॉइस क्या है इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब का जो डाटा सामने आया है उसके बेसिस मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है वो उसका बैड डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले ही उसके अंदर मेरे ख्याल में बीस बिलियन डाल चुकी है गैप को कवर करने के लिए और चौदह बिलियन की गारंटी दी हुई है स्टेट बैंक को कि इसको बंद नहीं करो अगर ये पैसे जो ख़राब हैं वो नहीं आए तो हम आपको चौदह बिलियन मजीद डाल देंगे इस बुनियाद पे वो चल रहा है उस बुनियाद पे मैं समझता हूँ बैंक की वैल्यू ज़ीरो है अगर आज बैंक ऑफ पंजाब के सपोर्ट उससे हट जाए तो वो बैंक फ़ौर बंद हो जाए आइए से बात सर आपसे बात होती रहती है लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ मार्केट हमारी अच्छी चल रही है और इनशाला अच्छी चलेगी क्योंकि हमारा मुल्क जो है तरक्की की तरफ काम कर लेकिन दूसरी सर अंदरूनी हमारे हालात कुछ ऐसे है की हम दहशत गर्दों से निमट रहे हैं इंडियन टेंशन है लेकिन ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं तीन साल से इन्होंने कोई कारगर्दगी दिखाई है हमारे सिवाय धरने और स्पीचें और देखिए ये सब फैक्टर्स हैं फिर भी माशाल्लाह हमारी मार्केट चलती रहती है और इस सिलसिले में जनरली मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन शाला इन सब चीज़ से कुछ नहीं होगा इंडिया का मसला बहुत सीरियस था तीन दिन तक आ, आ, सभी हर पाकिस्तानी खौफ में रहा आई एम श्योर कि तमाम इंडियन भी खौफ में रहे जिनको उसको सूच समझ है जो जो पागल वगल है उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है उसको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है वो तो बकरा है कि ये एटम्बिंग छोटे छोटा सा जंग कर लेते हैं बड़ा नहीं करते छोटा सा कर लेते हैं एक एटम बम किसी इलाके में गिर जाए तीन मिनट में सब मर जाते हैं उस इलाके के काफ़ी किलोमीटर के रेडियस में और जो बच जाता है उसकी ज़िंदगी मौत से भी बुरी होती है अल्लाह करे अगर खुदा खास्ता कभी ऐसा हो तो हम मर जाए तो अच्छा है वो आ, बड़े बड़े ज़ख्मों के साथ ज़िंदा रहना जो है वो बहुत तकलीफ देख कॉर्स से बात करें नाजी यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड नाजिन हसनैन साहब हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि माइनस थ्री ट्वेंटी नाइन पर अभी है मार्केट लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी कंप्यूटर में जो डील्स होते हैं वो एडजस्ट हो रहे होते हैं उसको तो हाथ में फिगर नहीं बता रहे तो बहरहाल वो आ जाएगा फिगर तो तकरीबन वही लॉस है जो तकरीबन जो कल गेन हुआ था और इट्स ऑल ऑल राइट मेरी नज़र में थोड़ी बहुत और गिरना जो है हेल्दी होगा आ, भले ये थर्टी नाइन तक आए उसका फिर से 40 पे आए तो वो जो लेवल होगा 40 का वो होगा सॉलिड इसी दौरान ये सब जो आ, आ, लोकल और इंटरनेशनल मसले मसाइल हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और फिर हमें सॉलिड ग्राउंड मिलेगा ऑयल की कीमत में चार सेंट का इजाफ़ा है 46.36 सिक्स डाओ में 98 का इजाफा एस में 14 का इजाफा नेसडेक में 44 का इजाफ़ा हुआ आ, नीके में 53 माइनस है हैंड 73 माइनस है शंघाई 8 माइनस है सेंसेक्स हन वन जीरो फोर माइनस है कल आपने देखा था सेंसेक्स बहुत बढ़ा था दो सौ अस्सी के करीब उसकी वजह थी फेड का अनाउंसमेंट कि फ़िलहाल वो रेट को कट नहीं कर रहे आ, कट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आ, इंडिया वाले से पैसा जो है सॉरी बढ़ाते हैं तो इंडिया वाले से पैसा जो है अमेरिका की तरफ जाता है तो नहीं बढ़ाया इसलिए नहीं बढ़ाया कि अमेरिका में दम तो है नहीं बढ़ाने की कोई वजह है नहीं पहले भी जो बढ़ाया था वो जाली था सिंगापुर में टेन का इजाफा है ऑयल uh, की कीमत ग्यारह uh, गैस की कीमत में तीन सेंट की कमी है टू नाइन्टी नाइन का फिर से हो गया गोल्ड में बाईस सेंट की कमी है वन थाउजेंड थ्री फोर्टी वन का लेवल सिल्वर में एटी टू सॉरी बाईस फ़ीसद नहीं ज़ीरो पॉइंट टू टू कम था और सिल्वर में ज़ीरो पॉइंट एट टू परसेंट कम है नाइन्टीन पॉइंट नाइन फोर का हो गया ये आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो हलो साहब, जी आमिर, तो से। आमिर शो फ्रॉम बड़ी खुशी होती है। तो। जी जी सर ये लिमिटेड, इसमें इन्वेस्ट चाहिए नहीं सर फिर से नाम बताइएगा लिमिटेड आपको कौन सी स्टील कंपनी आयशा है अमरेली really है। ड्रेक, लिमिटेड। ड्रैकर अच्छा लिमिटे। ड्रैकर हाँ ये, ये ये भी स्टील कंपनी है और ये मैं अभी बताता हूँ आपको इसकी पोजीशन। सर ये बहुत कम आ, ट्रेड होता है इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है और ऐसी कंपनी आम से आमतौर से मशवरा होता है कि दूर रहें क्योंकि ऐसी कंपनी में बहुत कम ट्रेड होने की वजह से जो चाहे इसको आगे पीछे कर सकता है उसमें कोई सॉलिड बेस नहीं होता आ, अगर आप इसको छोड़ के आ, आप किसी और मशहूर जो शेयर्स चलते हैं जैसे अमरीली है वो ले लें आयशा ले लें ले, आजकल वो भी अच्छा आ, आ रहा है स्लोरी ऊपर आ रहा है आ, आ, बहुत सारे और शेयर्स जो हैं क्रिस्टन स्टील वगैरह ले लें ले तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा ऐसे छोटे मोटे शेयर्स में मेनिपलेशन बहुत हो सकती है कोई थोड़े से शेयर लेके इसको आगे पीछे कर सकता है बड़ी खुशी होती है कि टंडो जाम वगे से भी कॉल आने लगे हैं या अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ रही है लोग ज़्यादा ज़्यादा आप जो है रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों को ए, एक अच्छी या बुरी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि ड्यू टू एडवांस इन मेडिकल साइंस लोगों की ज़िंदगी लंबी होने वाली है अब उसी की तैयारी है कल आपने देखा कि फेसबुक का जो बानी है और उसकी बीवी इतने छः लोग हैं तीन बिलियन डॉलर उसने जो है आ, आ, बिल गेट्स वालों को उठा के दे दिया कि रिसर्च की जाए कि कौन कौन सी बीमारी है जिसको शुरू में ही ख़त्म कर दिया जाए और उस पर काम हो रहा है आस्ते आस्ते तमाम के तमाम बीमारियों पे काबू आ रहा है इंक्लूडिंग कैंसर कैंसर के जो इनिशियल स्टेजेस के तमाम तकरीबन केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है जब केस ख़राब हो जाता है तो वो कंट्रोल में नहीं आता लेकिन उस पर वर्किंग जारी है और इस तरह से लोगों की ज़िंदगी लंबी होनी है उसका एक इम्प्लिकेशन ये है या आपको अपनी सेविंग करनी है जब तक आप 60-70 साल तक काम कर सकते हैं करें पैसा ज़्यादा जमा कर लें हो सकता है आपको 20, 30, 40 साल और जीना पड़े आ, अभी जो दो, जो बच्चे 2007 में पैदा हुआ है उसके बारे में साइंटिस्ट ने प्रोजेक्शन दी है कि एक नॉर्मल खाते पीते घराने में अगर है इलाज और गजाइत उसको प्रॉपर मिलती है तो वो एक साल तक जिएगा यूरोप में और एक साल जिएगा जापान में तो आपको उसी हिसाब से अब ये साठ सत्तर की जो आप लोगों की हमारी प्रोजेक्शन होती थी कि साठ में मर जाएंगे सत्तर में मर जाएंगे अब उसको अस्सी नब्बे की तरफ सोचना है उसी लिहाज से आपको पैसे भी चाहिए जाहिर है खाना होगा पीना होगा और अब वो ज़माना है कि आप दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते ना करना चाहिए आपकी आपकी इज़्ज़त नफ्स ना वो नहीं करते कि आप किसी के सामने चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो हाथ फैलाएँ आइए एक कॉल से बात करें हेलो हेलोकम जनाब सर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ लाहौर से सबसे पहले तो आपको करूंगा आज तीन साल हो जी सर सर मैंने दीवान फारूक मोटर्स के शेयर लिए थे पच्चीस हजार सैंतालीस के ऊपर तो सर मैं टेंस हूं। वो उसको लो लग रहे हैं वो नीचे आ जा रहा है तो प्लीज कर दें कि मैं उसको होल्ड करूँ या उसको सेल आउट कर दूँ और वो कहाँ पे जाके ठहरेगा दो रुपए का था ये और सीमेंट दोनों को मैंने कहा था खरीदो क्योंकि उस जमाने में इन्होंने खबर फैलाई थी कि रिनॉल्ट आ रहा है पच्चीस लाख का एस यू व्यू लेके ये बहुत पहले की बात है एक साल पहले की वो खबर गलत साबित हो गई उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं वो करें रोज़ाना कहानियाँ बदलते रहते हैं बहरहाल ड्यू टू ओवरऑल ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट इसका शेयर इतना ऊपर आ गया आपको टेक्टिकल एडवाइस ये है कि आप इसके ग्रुप के तमाम शेयर्स को फटाफट बेचें और ये पैसा आप लगा दें किसी ऐसे ग्रुप में जहाँ ये बैंकर्स वैंकर्स का ही चक्कर नहीं है जहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है जहाँ रोजाना नई नई कहानियाँ नहीं, नहीं, कहानिया नहीं सुनाई जाती यही पैसा आप किसी और ऑटो कंपनी में लगा दें जैसे टोयोटा है सुजुकी है होंडा है या आ, निसान है तो आपको आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा या और बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें लगा दें इस ग्रुप से निकल जाए आपने 25 पे लिया था आपने ठाक कमा लिया है आपको परेशानी की वजह नहीं है आइए एक लाइव कॉल से बात करें

फॉर फूड्स ये दोनों एक ही नाम कैसे हो सकता है ये ये जो आप बिजनेस क्लास आपका न्यूज पेपर है उसमें यही दोनों एफ एफ सी भी है और फर्टिलाइजर कंपनी अलग है देखिए एफएफसी तो पुराना है ये जो अच्छा एफ एफ है शायद ये फौजी फूड लिमिटेड अच्छा बहरहाल एफएफसी की जो कहानी है एंग्रो फर्टिलाइजर की वो ये है कि आपको पता है कि दुनिया भर में गैस अट्ठारह डॉलर से घट के तीन डॉलर पर आ गया इसी तरह फर्टिलाइज़र की दुनिया भर में कीमत जो है बहुत पीछे आ गई है फर्टिलाइज़र इस वक्त बड़े आसानी से आठ सौ रुपये का मिल रहा है वो बैग जो अब हमारे यहाँ ग्यारह सौ पचास का मिल रहा है इस तरह से हम लोग बिल्कुल ही अनकम्पटिटिव हो चुके हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ये ज़बरदस्त बैरियर ऑफ टैक्स के ज़रिए ये चल रहा है अदरवाइज़ अगर आठ सौ की आ जाए किसानों को आठ सौ का मिल जाए तो कौन ख़रीदेगा साढ़े ग्यारह सौ का साढ़े ग्यारह सौ की वजह ये थी कि पहले ये चौदह सौ का था क्योंकि सात सौ रुपये इसके ऊपर टैक्स था गवर्नमेंट ने सात सौ में से चार सौ टैक्स ख़त्म किया तो अभी ग्यारह सौ का हो गया अभी भी तीन सौ रुपये का टैक्स इसके ऊपर है तो एक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल मार्केट को डिस्टॉर्ट करके तबाह कर दिया है इतना ज़्यादा टैक्स एक हज़ार बिलियन टैक्स जमा किया जा रहा है इस वक्त गैस और तेल से जिसने आपकी तमाम इंडस्ट्री को इनकम्पटिटिव कर दिया आज ये टैरिफ बैरियर्स साब हटा दें आपकी तमाम फ़र्टिलाइज़ज़र कंपनियाँ फट से बंद हो जाएंगी कोई वजह ही नहीं कि 800 सौ का फर्टिलाइज़र कोई ग्यारह सौ में ले इसलिए आजकल फर्टिलाइजर कंपनीज आर इन आ, इन अंडर प्रेशर जहाँ तक फ़ौजी फूड का सवाल है जनाब ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन एफ एफ बी एल फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम एंड नून ग्रुप जो कि फूड में पहले से था और मेरा अपना ख़्याल है कि एक और इंटरनेशनल कंपनी ने भी इसको ज्वाइन किया है ये तीनों मिल मीट एक्सपोर्ट का, का काम करने जा रहे हैं और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है अभी ये एक्वायर करेंगे जगह कैटल स्लॉटरिंग हाउसेस और उसके बाद ये काम शुरू होगा मेरे मैं इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडिया के हमारे कस्टमर सबरवाल साहब बिलियनर हो गए डॉलर में ये एक्सपोर्ट करके बॉम्बे से गोश्त को चिल्ड गोश्त भेजते थे वो जो कि तेरह रुपये किलो बिकता था कंपेयर टू फ्रोज़न मीट ऑफ फाइव रुपीज़ फ्राम न्यूजीलैंड एंड अदर्स तो इसमें बहुत गुंजाइश है तीन ट्रिलियन की है मार्केट है इसमें शाहिर ग्रुप और ये ये फौजी फूड जा रहा है और ये स्टार्ट है जिनके पास बहुत पैसा है पाकिस्तान में उनको ये बताता हूँ कि आप लोग भी आएं। इस फील्ड में आएँ बड़ी गुंजाइश इसमें तो एफएफसी एफएफ एफ एफ फौजी फूड के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो

दस या साढ़े दस का इसके पीछे लोग भाग रहे हैं ड्रेक्कर के पीछे भाग रहे दीवान फारूक मोटर के पीछे भाग रहे सारी दीवान, फारूक मोटर को आज अनी और लोअर लॉक लगा हुआ है, अब ये जाके कहा टूटता है ये देखना है दो रुपए का था ये आ, आज की मार्केट जो है आज मेरे ख्याल से बड़ा फौजी अच्छा था लेना चाहिए एंग्रो लेना चाहिए सरले पाकिस्तान लेना चाहिए वाह आज कोई जरूरत नहीं थी पैनिक में आके सेलिंग करने की और ये जो सारे सिंबल लोगों को पता है नाम पता नहीं है सिर्फ सिंबल पता है उसके पीछे भागते हैं किया किया है है, सिल्क है इनको पता नहीं सिंबल पता है और रेट बहुत सस्ता है ये पता है ये अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझते हैं नफीसा दादा से ज्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं ये समझते हैं कि नफीसा और तारिक तो जो है बात कर रहे हैं 25 फीसद कमाई की हम तो 300 फीसद की कमाई की बात कर रहे हैं आज हमें पैसा दें कल आप एक सौ दें हम तीन सौ दे देंगे आपको और ये होता भी है आपने देखा है कि ये दो दो रुपए के शेयर बढ़बड़ के छः छः रुपये के भी हुए और उसके बाद आप धप धप गिर भी रहे तो ये ये चलाते हैं जनाब इस इसका फ़ायदा किसको होता है इसका फ़ायदा ब्रोकर को होता है ब्रोकर का, का काम यह है कि दो चार आइटम पिक करता है और उसको मैसेज भेजता है जैसे एन बैंक यही नफीसा ने फ़ोन करके कहा था कि उनके पास भी कॉल आई थी कि इस्लामाबाद से कॉल आई है कि भर के ले लो लाखों की तादाद में ले लो और ये सब शेयर कोई दो चार नहीं लेता लाखों की तादाद में लेता है जैसे पैसा फालतू हो तो आज भी एन जो है दो रुपये इक्कीस पैसे का दस पैसे बढ़ा हुआ है आप इसको दो दो लाख पे एक, एक लाख शेयर ले लें इसकी तो ऐसे शेयर लेते हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है ब्रोकर को क्योंकि कमीशन उसको मिलता है हर एक एक शेयर के ऊपर तो इस तरह के लोग इस पर फंसते हैं और बुरी तरह मार खाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते कहते ये तो बड़ी नॉर्मल से प्रॉफिट की बात करते हैं हमको तो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट चाहिए हम तो एक दो दिन में अमीर तरीन बनना चाह रहे हैं हम जहीन तरीन लोग हैं ये तारिक तो बहुत ही बेवकूफ़ सा आदमी है ऐसे ऐसे शेयर्स की बात बोलता है जो थोड़ा थोड़ा कमाई कम बढ़ता है तो ठीक है भाई आप जहीन हा हम बेवकूफ़ और नफीसा बेवकूफ़ हैं हम लोग जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज की बात करते हैं आपको ये भी नहीं पता होता कि एस का मतलब क्या है और आप उस पर पैसा फेंक देते हैं किसी ब्रोकर के कहने पे प्लीज़ आप लोग अपने थोड़ा बहुत तो रिसर्च करें ये आपका पैसा बड़ी महंगा मेहनत से कमाया हुआ है ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बुढ़ापे में बुढ़ापा आपका लंबा होने वाला है तैयार हो जाइए अब पचास साठ साल के मरने की बात ख़त्म अस्सी नब्बे सौ की बात करें उसमें इलाज के लिए हर चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे डोंट वेस्ट योर मनी लाइक दिस आज ट्रस्ट बैंक भी चला हुआ है आइए एक लाइव कॉल से बात करें हर थोड़ा दिन पर दो चार कचरा को उठाते हैं और उसको उसकी तारीफ़ की पुल बांध देते हैं फेसबुक पे मैंने एक साइट पे पढ़ा कि जी वो एनआईबी को जो है ना एमसीबी uh, ने ले लिया है अब तो वारे नहीं आ रहे अब तो ये अपर लॉक ही अपर लॉक चलेगा यानी कि ये भी दो का हो जाएगा उनका कहने का मतलब ये था भाई लिया तो लिया किस रेट पर लिया बैंक इस्लामी ने uh, बहुत uh, स्टेट बैंक के uh, इसरार पे वो खादिम अली बैंक को ले तो लिया मैं किस रेट पे लिया जीरो पे लिया एक ढेला नहीं दिया उल्टा स्टेट बैंक से पाँच बिलियन की गारंटी मांग ली यानी माइनस पर भी कहा वो बैंक की कोई पता नहीं होता इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं होता कि आज है और कल ख़त्म है क्योंकि जो उसने कर्जे आगे दिए वापस नहीं आए खत्म इंश्योरेंस पे कोई बड़ा क्लेम आ गया इंश्योरेंस कंपनी बैठ जाती है अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी जब सब प्राइम क्राइसिस आया हो तो ऐसे पिघल के बैठ गया वो ओबामा ने उसको पैसा दे 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 के दे दे के चलाया। आई से से। बात बात करें। Hello? Hello, up, uh, सर, बात कर रहा कराची वेलकम शो सर सर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह बहुत एनालिटिकल uh, बातें करते हैं आपने है। uh, आप एक बात की थी भूल गया डी एस एल ओ एल ओ लॉर्ड्स इसका आईपीओ आ रहा है अट्ठाईस उनतीस को चौंतीस रुपये का शेयर है ये लाहौर बेस्ड कंपनी है जो कि रेडिएटर और आ, सैलेंसर बनाती है और उसको ज़रूरत थी साढ़े सात सौ बिलियन मिलियन की उसने सोचा कि कुछ शेयर बेच के का पैसे आ जाएंगे तो आसानी से एक्सपेंशन कर लेंगे लेकिन रेट क्योंकि इसको इतना ज़्यादा मिला कि ऑलरेडी उसको वन बिलियन तो मिल चुका है ढाई हज़ार शेयर उसने जो है रखा है अपने स्टाफ के लिए बाकी आप लोगों को ऑफ़र करा है चौंतीस पे लेना है तो लें ना लेना तो ना लें मेरी टैक्टिकल एडवाइस ये है कि ये शेयर क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है और पिछले तीन शेयर जो हमने देखे आई आए हाई अमरेली और शाह हीर ग्रुप वो उसका हमने देखा कि जब आई हुआ तो उसका रेट तकरीबन डबल पे चला गया ड्यू टू तो हेवी डिमांड ऑफ शेयर्स उसके बाद वो गिरे उसी बेसिस से मुझे ही लगता है कि लॉट्स भी खुलने के बाद ये गिरेगा और ये आ जाएगा बीस वगैरह पे लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू क, द, 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 से ले रहे हैं चौंतीस पे भी लेने में आपको कोई हर्ज इसलिए नहीं होगा कि ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे चौदह रुपये वो कहीं ज़ाया तो नहीं होगा इस कंपनी को मिलेगा वो कंपनी और बेहतर तरीके से अपने कारोबार को चलाएगी और आप उसके क्योंकि शेयर होल्डर हो चुके तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा ये इवेंचुअली चौंतीस से भी ऊपर फिर जाएगा मगर टाइम लगेगा जैसे कि हाईटेक में हुआ हसनैन साहब कह रहे हैं कि 353 फाइनल फिगर सर फाई फाइनल फिगर है जनाब तकरीबन वही लेवल जो कल आपके बढ़ा था आज उतने घट गया कोई बात नहीं है जुमे का दिन है जुमे को आमतौर से मार्केट गिरती है और अभी तो बहुत टर्मॉयल है आपको पता है कि जो जो, जो कुछ बॉर्डर्स वगैरह पे हो रहा है उसकी वजह से लोग परेशान हैं और उसके अलावा हमने ये देखा कि बहुत सारे बिल्कुल ही बेकार शेयर्स जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी वो बैंक जो ख़त्म हो चुके हैं वो बैंक जो मर्ज हो रहे हैं लाइक like एन वो भी चल रहा है सिल्क भी चल रहा है केमिकल कंपनियाँ जिनकी कोई वाइबिलिटी नहीं है दो से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे केमिकल कमी का कामयाब नहीं हो सकती ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम गल्फ़ वो भी चल रही है क्योंकि कुछ लोग चला रहे हैं उसको और दीवान ग्रुप भी चल रहा है हालांकि अभी भी वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है 32 बैंकों के तो अब उन उनके अंदर भी करेक्शन आई है वो भी एक फैक्टर है उसके गिरने की परवेज़ अहमद सिक्योरिटी भी चल रहा है जनाब जो जो सौ रुपये का शेयर था वो एक रुपये का हो गया था वो भी चल रहा है कोई आई, आई इन्वेस्टमेंट बैंक भी चल रहा है खैर वो गिरा जाती थी, थी पैसे एक और इंटरेस्टिंग बैंक जिसके बारे में मेरा थोड़ा सा ए, एक दोस्त प्रेसिडेंट होते थे इसके ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक कोई इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह में कुछ रखा नहीं होता ये पैसा पब्लिक से लेके आपस में बाट वाट लेते हैं वो भी चल पड़ा जनाब आज फोर मिलियन का काम हो गया एक रुपये बढ़ा हुआ है ऐसे जाली इदारों से दूर रहिएगा आप लोग तो आपके लिए बेहतर होगा समिट बैंक भी चल रहा है जरा सिल्क बैंक भी चल रहा है माइनस है तीन पैसे इनमें कुछ रखा हुआ नहीं है ख़त्म हो चुके हैं बैंक इनमें आप पैसा लगाए चले जा रहे हैं कुछ नहीं होने वाला इनका बैंक ऑफ पंजाब ग्यारह पैसे गिरा फोर्टी फोर पैसे गिरा हुआ है मेरी अपनी अससमेंट है इसकी वैल्यू ज़ीरो है आई इन्वेस्टमेंट बैंक भी तैंतीस पैसे गिरा हुआ है तो इन बैंकों से और इस तरह के अनवाइबल ग्रुप से आप बिल्कुल दूर रहिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है आप सॉलिड कंपनीज़ में लगाएँ आपको फ़ायदा होगा आ, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा इन मंडे को मुलाकात होगी खुदा हाफिज़